हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है टमाटर के ऊपर। जी हाँ, ये टमाटर के ऊपर। और इस टमाटर से ही हम अपने चेहरे को निखारेंगे, फेयर करेंगे, गोरा करेंगे। आपको पता है ये जो टमाटर है ना, ये हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा है। जैसे हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, वैसे ये हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है। आपके फेस पे, आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं, जा नहीं रहे हों, और अगर आप इस टमाटर को यूज कर लिए लगातार एक महीना, तो आपके जो दाग धब्बे वो तो दूर जाएंगे ही, और साथ ही साथ आपका कलर भी फेयर होता है। जी हाँ, इससे कलर भी फेयर होता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि आपका कलर दूध की तरह गोरा हो जाएगा, और दूध की तरह गोरा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा गोरा क्या करेंगे हम, दूध की तरह गोरे रहे और हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम रहे। जी नहीं, बस हमारा कलर फेयर हो, मतलब शाइन करे, ग्लो करे, ऐसा होना चाहिए, कोई भी दाग धब्बे ना हो। तो इस टमाटर को आप यूज करोगे तो आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो वो दूर हो जाएगी। अगर इस टमाटर को ही डेली आप यूज कर रहे हो अपने फेस पे, तो आपका ये जो कलर है वो तो फेयर करेगा ही, साथ ही आपकी पिगमेंटेशन की, छाई की, झुरियों की, दाग धब्बों की सारी प्रॉब्लम ये दूर कर देगा। तो मगर आज मैं आपको इस टमाटर में कोई ऐसी चीज बताऊंगी जिसमें ऐड करके आपको लगाना है, तो आपके दाग धब्बे जाएंगे ही, मगर आपको इसको एक महीना यूज करना, आपकी त्वचा की जो भी प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होगी, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, बताती हूँ इसे कैसे यूज करना है, कैसे लगाना फेस पे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको कोई भी फेस पैक नहीं बनाना है, बस आपको एक कट मारना है, चीज ऐड करनी है, अप्लाई करना है। इसके बाद आप अपने चेहरे पे 10 या 15 मिनट के बाद ही आप अपने चेहरे पे ग्लो, एक साइन पाओगे। चेहरा आपका चमकता हुआ, खिला हुआ, गुलाबी निखार, बेदाग हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। बनाना क्या है, बस अभी कट मारूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है टमाटर, और इसे हम बीच से करेंगे कट। ये देखिए, यहां से मैंने इसको किया कट, ऐसे आपको कट कर लेना। ये देखिए, टमाटर कट गया ना, एक सेकेंड। तो ये आपका टमाटर कट गया है, ऐसे आपको इस टमाटर को काट लेना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको लेना है चावल का आटा। ये जो है ना, ये चावल का आटा है। तो चावल का आटा है, आपकी स्किन को गोरा करेगा। तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे चावल का आटा। ये देखिए, ऐसे इसको डाल देंगे, अच्छे से इसको हम थोड़ा सा पुश कर देंगे, ऐसे इसको हम दबा दिए हैं अच्छे से। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, आपको अच्छे से डाल लेना है, और इसे आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जब तक ये टमाटर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तब तक आपको इसे फेस पे लेके मसाज करना है, जैसे फेशियल मसाज करते हैं, राउंड राउंड घुमा के वैसे ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि चावल कम हो गए हैं, तो थोड़ा सा चावल आप और भी डाल सकते हो, और कुछ नहीं करना है। रात में सोने के पहले आप इसे करो, और फिर आप कुछ ही दिनों में देखो आपकी स्किन कितनी चमकती हुई, कितनी शाइन करती हुई निखर के आएगी, और आपके जो दाग धब्बे हैं, जो पिगमेंटेशन की समस्या है, जो धूप से आपकी स्किन झुलस गई है, जल गई है, आंखों के नीचे आपके कालापन है, ये सारी प्रॉब्लम ये दूर कर देगा। बस मैं फटाफट इसे करके दिखाती हूँ। फेस मेरा क्लीन था, आप ये मत सोचना मैं मेकअप करके आई हूँ, कोई कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने लिप कलर लगाया, फेस बिल्कुल भी क्लीन है। आज मैं आप लोग के सामने फेस क्लीन करना भूल गई हूँ, भूली क्या हूँ, मैंने पहले ही कर लिया था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था। तो आप ये मत सोचना या कमेंट ये ना करने लगना कि दीदी आपने तो मेकअप ही नहीं हटाया। मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया है, लिप कलर ही लगाया है। तो फ्रेंड्स, इससे ये होगा जो आपके ब्लैक हेड्स होंगे वो भी निकल जाएंगे, और आपके जो ओपन स्पोर्ट्स खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, ऑयल आपका वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी दूर कर देगा, क्लीन कर देगा आपके ओपन स्पोर्ट्स को, आपकी स्किन को टाइट करेगा, ओपन स्पोर्ट्स बंद नहीं करेगा, मतलब छोटा कर देगा। तो उसे अच्छे से आपको कर लेना है, आप अपने नेक एरिया पे भी कर सकते हो, और इसको आपको तब तक करना है जब तक आपका ये टमाटर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए।
फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आप कोई भी होम रेमेडी या कोई भी क्रीम यूज कर रहे हो तो पहले तो आप अपने स्किन पे टेस्ट कर लो कि आपको वो सूट करता है कि नहीं, फिर आप ये क्या करो, न तो बाद में आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि मुझे पिंपल्स हो गए, दाग धब्बे हो गए और ज्यादा हो गए। मुझे तो नहीं मालूम ना कि आपकी स्किन कैसी है, क्योंकि किसी किसी को ये सूट करता है, किसी को नहीं करेगा, सबकी स्किन अलग होती है। तो आप कोई भी होम रेमेडी या कोई भी मार्केट की क्रीम यूज कर रहे हो तो उसको एक बार आप चेक कर लो कि आपकी स्किन को सूट करता है या नहीं करता, क्योंकि मार्केट की जो क्रीम होती है वो भी सबको सूट नहीं करती है। तो आप एक बार जरूर चेक कर लो। मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो मुझे नहीं पता किसकी स्किन कैसी है कैसी नहीं है, किसको सूट कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे सूट करती हैं तो ये नहीं कि आपको सब कुछ सूट करेगा। पर मैं आपको बता दूँ ना, मेरी स्किन पे सब कुछ सूट करता है, क्योंकि मैं आपको देखिए मैं जितनी भी होम रेमेडी बताती हूँ सब कुछ अपने फेस पे करके दिखाती हूँ, फिर भी मेरे फेस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं है, क्योंकि मैं अपने फेस का ध्यान देती हूँ। साथ में मैं पानी भी खूब पीती हूँ, एलोवेरा आंवला जूस भी पीती हूँ, जो अंदर तो अंदर से भी मेरे शरीर को अच्छा पोषण मिले। मैं हरी सब्जियाँ, सब्जियाँ मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ही खाती हूँ, सब्जियाँ मुझे बहुत पसंद है। एक रोटी कम ही खाऊंगी मगर मैं सब्जियाँ खाती हूँ। तो ये मत आप रखो कि केवल आपको फेस पे सब कुछ अप्लाई करना है और आप सब्जियाँ ना खाओ, पानी ना पियो, तो आपको हर चीज़ करना होगा अपनी स्किन के लिए। तो ये देखिए आपको ऐसे करते रहना है। तो यहाँ पे मेरा जो चावल था थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने और ऐड कर लिया। ऐसे आपको और भी ऐड कर लेना अगर आपको लगे। तो ये जो चावल आपका स्क्रब का काम कर रहा है एक तरह से, ये देखिए, और मेरे फेस पे एक ग्लो, एक साइन आ जाएगा। इस फेस पैक को लगाने के बाद आपको छोड़ देना है सूखने के लिए, कि ये अच्छी तरह से सूख जाए आपकी स्किन पे। आप इसको डेली यूज कर सकते हो, मैं तो कहूंगी डेली आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप टमाटर को ही डेली ऐसे ही यूज कर सकते हो सोने के पहले, क्योंकि सोने के पहले आप कोई भी फेस पैक लगा रहे हो ना, वो ज्यादा असर करता है रात में, क्योंकि जो आपकी स्किन होती है रिलैक्स होती है रात में और अच्छे से वर्क करती है। आप सोने के पहले आप इसे करके सो सकते हो, सोने के पहले एक घंटे आधे घंटे पहले आप कर लो और इसे। तो फ्रेंड अगर आपको ये फेस पैक पसंद आएगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आपको पूरे फेस पे से अच्छे से अप्लाई कर लेना। यहाँ आपको 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, ये है कि आपका टमाटर की साइज क्या है, इसके ऊपर है कि आपको कितने टाइम लग रहा है। तो यहाँ मुझे, और ये मेरा टमाटर भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे ज़्यादा देर तक नहीं करना है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे बेबी देखना होता है, घर का भी काम होता है। तो बस मैं आप लोग के लिए होम रेमेडी वीडियो लाई हूँ, आप लोग को मैंने बता दिया कैसे करना है, कैसे लगाना है, और ये आप लोग के ऊपर आप करते हो कि नहीं। मैं तो कहूँगी आप डेली करो। अब ये नहीं कि आप एक दिन किए बंद कर दिए फिर कहोगे कि दीदी ये तो असर ही नहीं किया। एक दिन में कोई चीज़ नहीं असर करती है, आपको पर डे करना होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे इसे अपने फेस पे लगाते हुए, मतलब रगड़ते हुए टमाटर को 7 मिनट हो चुके हैं। ऐसे आपको करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप चावल के आटे की जगह पे हनी ले सकते हो, और इसे ऐसे आपको राउंड राउंड करना है। इसे डेली यूज करो तो आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, ये खत्म हो जाएगी, आपके चेहरे पर एक कसाव आएगा और आपकी स्किन जो ढीली हो गई वो टाइट हो जाएगी। और यहाँ देखिए मैं इसको आप छोड़ देती हूँ फेस पे लगे। ये देखिए यहाँ 10 मिनट के बाद ये पूरी तरह से फेस पे सूख चुका है। अब इसे मैं ठंडे पानी से धुल लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, धुल के आती हूँ, ये दिखाती हूँ। नॉर्मल पानी से ही धुलना है। और यहाँ देखिए मैंने फेस को अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है, और आपको कुछ ही देर में फ़र्क नज़र आएगा। आपको मेरे चेहरे पर फ़र्क नज़र नहीं आता, आप लोग कहते हो डार्क कलर वाला कोई लाओ, तो आप अपने पे एक बार से करके देखो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार ट्राई कर लो और कुछ ही देर में आपको उसका फर्क नजर आएगा। अगर आपने 1 महीना लगाया तो आपका कलर तो फेयर होगा, आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होगी मैं कह रही हूँ वो खत्म हो जाएगी। मगर लगाने के पहले पहले आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा अपने फेस पे, तभी से अप्लाई करिएगा कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और आपके कमेंट मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय, सी यू।